बस 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 तो दोस्तों पानी वानी तो लगा लिया है खेत में ना करें। हाँ। अभी भूख भी लग गया है, फटाफट उठते हैं और चलते हैं। बाबू तो उठ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों बाबू अभी सो के उठा है और हम लोग पाइप को सरिया रहे थे और ममता तो अभी सोई हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों हम लोग बारी पटाने आए थे, आजकल तो बहुत जल्दी सूख जाता है लेकिन 5-7 दिन बाद ही पानी लगा है खेत में। अब तो धूप भी ज़्यादा है, हवा भी चल रहा है तो जल्दी खेत सूख जाता है और इसलिए 2-3 दिन बाद में ही लगाना पड़ेगा पानी। तो ममता तो सो गई है, चलिए उठा लेते हैं और घर चलते हैं। घर में क्या कुछ बना के खिलाती है अभी करें। तो दोस्तों ये सब तो नहाए थे हम लोग, घर पहुंच चुके हैं, तेल लगा दे रही कन्या और बोल रहे हैं कि भूख लग रहा है तो दे देंगे सबको पहले और हम लोग भी थोड़ा बहुत नहा लेंगे। चलो बैठ के खाओ, ये तो सब सुबह खा गए थे, वही सब्जी है तो वह सब खा लेंगे। हम लोग के लिए और सब्जी बना लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फूल, पिछले बार भी कितना बनाए हैं तो करीना बोल रही इसी को आज भी बनाते हैं। उखे भर हो जाए। और इधर भी है बहुत फूल। ये देखिए फूल। तो दोस्तों देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा फूल, खाने में बहुत मज़ा होने वाला है। थोड़ा थोड़ा फल भी लगा है तो फल को तो नहीं बनाएंगे। और इधर है झींगा फिश, ये सबको मिला के अभी सब कुछ बनाने वाले हैं। तो छोटा वाला देसी झींगा है। तो अभी देखते हैं कितना स्वाद होने वाला है करना। स्वाद तो होगा ही ना, हमको लग रहा है। तो दोस्तों ये सबको बढ़िया से छील लिए हैं और ये तो अलग ही मजा देता है खाने में, लेकिन आज अलग ही बनेगा। तो ये जाएगा कढ़ाई में अभी। इसको धो के लाती हूँ थोड़ा सा। अभी इसको बढ़िया से उबालेंगे। उबल चुका है। ये नमक भी डाल रही है इसमें। ये फ्राई हो चुका है। पूरा भून जा चुका ना, मसाला डालिए। तो जो मसाला है वही सब्जी में भी, चिकन में भी, मछली में भी, सब कुछ में। ऐसा तो अपना हाथ से करना बनाइए ना करना सब कुछ।
ये मटर सब्जी है ना करीना। हाँ। डाल दीजिए सबको, हो जाएगा रेडी। बस ढक्कन रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, हो गया करना। हाँ रेडी हो गया, और ऊपर से मैं डालूंगी धनिया पत्ता। अच्छा तो दोस्तों बिजली भी नहीं है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, तो देखते हैं वीडियो कैसा आएगा कैसा नहीं। तो करना, चलिए भूख भी लगा है, करना इधर पत्ता गोभी का भुजिया, टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी है करना। थोड़ा हमको नमक ज़्यादा लग रहा है, चावल के साथ मेरे को ठीक ही लगा लेकिन। आज भी हमको तो और चावल चाहिए करीना। हाँ। सब्जी ज़्यादा हो गए तो, और थोड़ा मेहरबानी कर दीजिए। टेस्टी भी है ना? टेस्टी तो है, जून तब तभी तो चावल चाहिए। तो दोस्तों बिजली आ गया, बस 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 बहुत है, टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। मैं तो आज भी 2 किलो भात खा रहा हूँ, रोजे आजकल खा रहा हूँ ना करीना। हाँ। करीना इतना टेस्टी बनाती है, प्याज भी मंगा लिया हूँ।
करीना आप ही बताए, 2 किलो तो चावल हो जाता ना? हाँ। ज़्यादा हो जाता हमको तो, अंदाजा लग रहा था हमको पकड़ने से। अच्छा। पहले वाला 1.5-2 किलो हो ही जाता, बाद में 1 किलो तो दे दिया आपने। तो दोस्तों आज का भी खाने में बहुत मज़ा लगा, आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार चैनल में आते हैं, मुर्गा भी बोल रहे हैं, तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।